दोस्तों एलन मस्क ने ट्विटर को अपने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये काम किया सबसे पहले ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को फायर कर दिया। इसके साथ ही सीएफओ नेड सीगल और लीगल अफेयर्स एंड पॉलिसी चीफ विजया गढ़े को भी ट्विटर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ट्विटर से डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बैन किया था। एलन मस्क पराग अग्रवाल से पहले ही चिढ़े हुए थे और वो पहले ही धमकी देते थे कि मैं इस बंदे से नफरत करता हूँ, अगर टेक ओवर करता हूँ तो इस बंदे को सबसे पहले बाहर निकालूंगा। वादे के पक्के एलन मस्क ने वही किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पराग अग्रवाल अपना इस्तीफा अपने जेब में धरकर सीधे घर को निकल जाएंगे, बल्कि उनको बदले में मिलेंगे करीब 350 करोड़ रुपए। दरअसल ये पहले से तय था कि अगर कंपनी बिकती है और उसके 12 महीने के अंदर ट्विटर से पराग अग्रवाल को निकाल दिया जाता है तो उन्हें लगभग 4.2 करोड़ डॉलर मिलेंगे। लेकिन दोस्तों कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि जैसे ही एलन मस्क ने ट्विटर का टेक ओवर किया उसी दिन पराग अग्रवाल और सीएफओ को जबरन अपने दफ्तर से बाहर निकलवा दिया गया। एलन मस्क ने दावा किया था कि ट्विटर का ज्यादातर स्टाफ यूजलेस है और अगर मैंने टेक ओवर किया तो इसका 75% स्टाफ बाहर निकाल दूंगा। दोस्तों आपको बता दें कि एलन मस्क के ट्विटर में शुरुआती निवेश पर किसी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया था। इस साल जनवरी में उन्होंने ट्विटर के शेयर खरीदने शुरू किए थे, मार्च आते आते उनके पास ट्विटर के 5% शेयर थे, अप्रैल में पता चला कि वे ट्विटर के सबसे बड़े शेयर धारक बन गए हैं और अप्रैल महीना खत्म होते होते उन्होंने ट्विटर को खरीदने के लिए 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर की डील कर ली थी। तब मस्क ने कहा था कि वे स्पैम अकाउंट्स को हटाना चाहते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर बोलने की आजादी यानी फ्री स्पीच का संरक्षण करना चाहते हैं। लेकिन मई के महीने में एलन मस्क ने ट्विटर की खरीद पर अपने विचार बदलने शुरू कर दिए थे। उन्होंने चिंता जताई थी कि ट्विटर पर फेक अकाउंट्स कंपनी के दावे से कहीं अधिक है और ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कुछ दिनों का चला, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि पराग अग्रवाल ने एलन मस्क को धमका दिया था। सीधे शब्दों में कहे तो एक तरीके से पराग अग्रवाल ने मैसेज डिलीवर कर दिया था कि एलन मस्क अपनी औकात में रहो। इसी वजह से जुलाई में एलन मस्क ने ऐलान किया कि वो अब ट्विटर नहीं खरीदना चाहते, लेकिन अब ट्विटर ने कहा कि उन्हें खरीदना ही पड़ेगा और इसी चीज को लेकर मस्क पर केस कर दिया कोर्ट में। इसके बाद एक बार फिर से अक्टूबर में मस्क ने ट्विटर में रुचि दिखाई और कंपनी ने कानूनी कार्रवाई को रोक दिया। ट्विटर जब बेचा गया था तब डील में साफ तौर पर लिखा था कि 28 अक्टूबर से पहले पहले इसको खरीदना ही पड़ेगा, तो कभी हाँ कभी ना करते करते आखिरकार मस्क ने ट्विटर को खरीद ही लिया। दोस्तों आपको बता दें कि पराग अग्रवाल का जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ था, जिसके बाद वो माता पिता के साथ मुंबई चले गए। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उनका एडमिशन IIT मुंबई में हुआ, जहां पर उन्होंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया। फिर उन्होंने हायर एजुकेशन यानी PhD करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पराग ने कई बड़ी कंपनियों जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, याहू आदि के साथ काम किया। इन दोनों कंपनियों में भी वे बेहद ऊपर वाले पद पर आसीन थे। 2011 में पराग ने ट्विटर के साथ जुड़ने का फैसला किया और वो जुड़ भी गए। शुरुआत में उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया। 2017 में तत्कालिक CTO यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर एडम मैसेंजर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद इन्हें इस पदभार को संभालने के लिए नियुक्त किया गया। इन्होंने प्रोजेक्ट ब्लू स्काई को भी लीड किया था। इसके बाद आया 29 नवंबर 2021, जैक डोर्सी जो अब तक ट्विटर के CEO थे उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। उन्होंने जाते जाते कहा कि इस पद के लिए सर्वश्रेष्ठ इंसान है पराग अग्रवाल और ट्विटर की बागडोर इन्हीं के हाथों में संभालते हुए ट्विटर छोड़ दिया। पराग अग्रवाल की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी उनकी जिंदगी में एलन मस्क नाम का तूफान आ गया, जिन्होंने पहले चोरी छिपे ट्विटर के शेयर खरीदे और बाद में कहा कि मुझे ट्विटर चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि पराग अग्रवाल को हटाने के बाद एलन मस्क जो सबसे पहले काम करेंगे वो है डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट रिस्टोर करना। दोस्तों भारतीय लोग पूरी दुनिया में झंडे गाड़ रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। दोस्तों इन सभी भारतीयों के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।